पवन सिन्हा के साथ भारत पर्व हमारा खास कार्यक्रम हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। आतंकियों ने आज सुबह सबसे पहले बस पर हमला किया, फिर बस को छोड़कर आगे बढ़े, एक मारुति कार पर कब्जा किया। थोड़ी ही देर बाद आतंकियों ने गुरदासपुर के दीनानगर थाने पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आतंकियों की गोली से गुरदासपुर के एसपी भी शहीद हो गए। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया गया। जैसे कि बताया जा रहा है, पंजाब के सियालकोट से आतंकी निकले और फिर बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर दूर कठुआ पहुंचे। कठुआ के बाद वो गुरदासपुर पहुंचे और फिर दीनानगर पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर दिया। जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक, आपको बता दें, पाकिस्तान के सियालकोट से आतंकी बॉर्डर की तरफ चलते हैं और फिर बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर कठुआ में दाखिल हो जाते हैं। अपने नापाक इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, गुरदासपुर में दाखिल होकर दीनानगर थाने पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए आखिर किस तरह से आतंकियों ने अपनी नापाक इरादों को पूरी तरह से कामयाब करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी मुठभेड़ जारी है और आतंकियों पर काबू पाने की कोशिशें सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस हमले में 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें 8 पुलिस वाले हैं। अब तक आपने देखा पाकिस्तान के सियालकोट से कैसे वो गुरदासपुर तक पहुंचे, लेकिन अब देखिए गुरदासपुर में दाखिल होते हैं आतंकी पहले से घात लगाए बैठे होते हैं, मारुति पर हमला करते हैं, पहले बस को निशाना बनाते हैं, उसके बाद मारुति सवार को गोली मारकर जख्मी कर देते हैं, मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे कि जानकारी मिल रही है, मारुति वहां से लेते हैं और फिर दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। थाने में अभी भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ पुलिसकर्मियों की जारी है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, जैसे ही और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे आगे।